हाय एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। जेई मेंस 2024 4 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंक्लूड हो चुका है। दो तीन बच्चों का डीएम आया हुआ है। आज का पूरा पेपर एनालिसिस के बारे में बात करने वाला हूँ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। टिल जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता, चैनल आपको पूरी हेल्प करने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो वीडियो नीचे कमेंट करके बताना, टेलीग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हो, रिप्लाई ज़रूर करूँगा मैं। बात करता हूँ पेपर एनालिसिस की। आपका जनवरी अटेम्प्ट से डिफरेंट आया हुआ है इस बार का पेपर। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की बात करें तो, केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों बैलेंस्ड आई हुई है, ठीक है। एज सिमिलर टू काइंड ऑफ जो जनवरी अटेम्प्ट में था, तो काइंड ऑफ सेम एज पैटर्न पे आया हुआ है केमिस्ट्री का। फिजिक्स का बात करूँ तो डायरेक्ट लाइक फार्मूला बेस कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन फार्मूला बेस नहीं थे, लेकिन फिर भी डोएबल था, मॉडरेट पेपर आया हुआ था काइंड ऑफ फिजिक्स का। मैथमेटिक्स की बात करूँ, जो चैप्टर्स मैंने इंक्लूड किए थे कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे आपका मैट्रिक्स डोमिनेंट हो गया, वेक्टर 3D से क्वेश्चन आए हुए थे, स्टैटिस्टिक्स का एक या दो क्वेश्चन आया हुआ है, एंड आपका बात करूँ उसका सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस आए हुए हैं। काइंड ऑफ जितने चैप्टर्स मैंने इंक्लूड किए थे वो सारे चैप्टर्स आए हुए हैं आपके इस वाले एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आने वाले दिनों में जिनका एग्जामिनेशन है 5, 6, 8, 9 और 12 को जिनका एग्जामिनेशन है, उनको यही प्रेफर करूँगा मैं, जितना आपने पढ़ लिया है उसको आप रिवाइज़ करो एंड PYQs ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो उसमें, और गारंटीड आपका अच्छा सिलेक्शन होगा, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ अगली वीडियो से, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।